नमस्कार दोस्तों एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है मैं जितेंद्र कुमार जौली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एम में एडमिशन लेने का आपके लिए एक सुनहरा मौका आया है यदि आप बीएड या एलटी हैं और एम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए महात्मा ज्योतिबा व फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश में एम एड एडमिशन के फॉर्म आ गए हैं यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एम जे पी आर यू डॉट एन आई सी डॉट इन की साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और मैं इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहां जाकर सीधे इस पेज पर पहुंच सकते हैं आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं यदि आप दो वर्ष एम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको होना चाहिए बीएड या एलटी वो भी 50 प्रतिशत अंकों के साथ यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 प्रतिशत अंक आपके होने चाहिए और यदि आपने अभी तक अपना बीएड या एल पूरा नहीं किया है तो भी आप इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं और परंतु कंडीशन ये है कि आपका जो परिणाम है परीक्षा का वो एडमिशन लेने की तिथि से पहले आ जाना चाहिए अब एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं आपको जाना है एमजीपी जी पी रोहल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और वहां जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है यहां आवेदन करने की फीस साढ़े पांच सौ रुपए रखी गई है और इसके ऊपर बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगेंगे और किसी भी कैटेगरी के अन्य धारक को कोई यहाँ छूट नहीं दी गई है सभी को साढ़े पांच प्लस बैंक ट्रांजेक्शन फीस देनी है ये जो ऑनलाइन प्रोसेस चलेगी ये एक मार्च से इकतीस मार्च तक चलेगी और इसी बीच में कैंडिडेट को अपने आवेदन ऑनलाइन पूरे करने हैं और उनको किसी प्रकार का फॉर्म भरकर यूनिवर्सिटी नहीं भेजना है ये परीक्षा 24 मई 2019 को एक बजे से चार बजे के मध्य आयोजित की जाएगी इस विज्ञापन में इन्होंने गलती से 2018 लिख दिया है तो इसको 2018 ना पढ़ें 2019 पढ़ें ध्यान रखें 24 मई 2019 को एक बजे से चार बजे तक तीन घंटे की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी इस परीक्षा में 200 क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन जो होंगे ये हमारे बी के चारों कंपल्सरी पेपर से होंगे और इसके अलावा रीजनिंग के और जी के प्रश्न भी इस परीक्षा में आपको मिलेंगे यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होनी है पूरी जानकारी इस वीडियो में देना संभव नहीं है यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं वहां जाकर आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस चेक कर लीजिए और यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेलाइकन अवश्य दबाइए